हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी नीट गाइस. दिख रहा है, सुन रहा है? हाय गाइस, लेट मी जस्ट चेक वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट. ओके, आई गेस आई एम विजिबल. हाय बच्चों, हाय, कैसे हैं सब बच्चे? आफ्टर सो लॉन्ग वी आर मीटिंग फाइनली. ओके, यस, लैग आ रहा है, क्या हो रहा है? सही है, दिख रहा है? ओके, यस. हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी नीट. आई होप एवरीथिंग इज नाउ फाइन, एवरीवन इज ऑल्सो फिट एंड फाइन. सो फाइनली गाइज, वी आर बैक in our Medhavi batch, and Medhavi batch is a batch for both 2022 and 2023. जो बच्चे क्लास 11th या फिर क्लास 12th के भी हैं या फिर ड्रॉपर हैं, सबके लिए ये बैच जो है ये वैलिड रहेगा. और इस बैच में बेटा आपको मिलेंगे डेली लाइव लेक्चर्स सारे टीचर्स से, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM एंडिंग टिल 5 PM. यस, थैंक यू सो मच. हैप्पी नवरात्र टू यू ऑल्सो. ऑस्पिशियस डेज दे आर गोइंग ऑन. कल्चरल फेस्टिवल्स, यू नो, फेस्टिवल्स का टाइम आ रहा है अभी. आगे आने वाले समय में दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी. सो देर आर मेनी गुड थिंग्स कमिंग अप. साथ ही में लेकिन बेटा नीट भी आने वाला है, वो भी एक बड़ा पावन अवसर होगा अगले साल. तो उसकी तैयारी आज से, जितना बच्चे यू नो जितनी जल्दी तैयारी कर लोगे, आराम से अगर अभी सीरियस वे में तैयारी कर लोगे, तो आने वाला अगला साल आपके लिए बहुत रिलैक्स रहेगा. जो बच्चे इस टाइम पे मज़े करेंगे, इस टाइम पे बातें करेंगे, इस टाइम पे इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उनके लिए आने वाला साल बहुत भारी पड़ने वाला है. ठीक है, तो अभी आपकी चॉइस है, क्या आपको एक टोटोइस की तरह धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करते जाना है, या फिर बेटा अचानक से अगले साल की मैं अब ये इस रात को भी जाग लूंगा, मैं 4 घंटे सोऊंगा, मैं 3 घंटे सोकर एक महीने में सिलेबस कर दूंगा. फिर आप पूछते रहते हैं मैम एक मंथ की स्ट्रैटेजी बता दो, 3 महीने में नीट कैसे होता है ये बता दो. बेटा नहीं होता, 3 महीने में जीरो से स्टार्ट होकर नीट नहीं होता. फिर तुम आते हो 1 महीने की स्ट्रैटेजी, बट 1 महीने में तो बिल्कुल भी नहीं होता जीरो से स्टार्ट करके. 1 महीने में सिर्फ रिविजन होती है, वो भी बहुत मुश्किल से. ठीक है, तो इसीलिए दिस इज द टाइम टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन. अभी जस्ट हमने एक ही चैप्टर का हाफ पोर्शन किया है, एनिमल टिश्यूज, बाकी का अभी हम कर रहे हैं. तो आप अभी जुड़ सकते हैं बेटा प्लस पर भी और यूट्यूब पर भी, क्योंकि अभी यहाँ पर जस्ट स्टार्टिंग है, आपने ज्यादा मिस नहीं किया. इतना तो बैकलॉग यू नो आप इजिली कवर कर सकते हैं. ठीक है, सो येस, टुडे वी आर टू कवर प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड. एक बात और, मैंने आपके लिए अमाइनो एसिड्स वाला सेशन प्रॉपरली रिकॉर्ड करके चला दिया था, आपका एक भी दिन मिस नहीं होने दिया. क्या आपने अमाइनो एसिड वाला सेशन देख लिया? यस, एवरीवन हैज सीन अमाइनो एसिड वाला सेशन, बताइए. क्योंकि अमाइनो एसिड समझ आएगा तभी प्रोटीन्स हो पाएगा. अगर अमाइनो एसिड नहीं आता तो प्रोटीन की तो बात ही खत्म है, कुछ नहीं हो सकता प्रोटीन का. यस गाइस, थोड़ा सा चाहे लेट देखा हो, आपके पास समय था, 2-3 दिन थे, क्या आपने देख लिया था बता दो एक बारी, है ना? अमाइनो एसिड 100% क्लियर है सब बच्चों को? यस, चलिए बहुत बढ़िया. अमाइनो एसिड क्लियर है तो आज फिर प्रोटीन भी क्लियर हो जाएगा, एंड उसके बाद न्यूक्लिक एसिड भी. न्यूक्लिक एसिड कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हम आज कर पाए. ठीक है, तो ये आपका मेधावी का स्केड्यूल है. आप जानते हैं सुबह 8 बजे फिजिक्स के बाद से क्लासेस आपकी स्टार्ट होती हैं, कंटिन्यू रहती हैं टिल 4 to 4:30 PM. ठीक, तो जो बच्चे मैम को नहीं जानते, माय नेम इज सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट विद अनअकैडमी नीट. आप अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, यानी कि उसकी ऐप पर, अनअकैडमी की ऐप पर फॉलो कर सकते हो. मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, चलिए. साथ ही में दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो दिस. इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक, एंड मैं आपके साथ ये बताने वाली थी, यू कैन एनरोल इन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन. वहां पर भी आपका बैच चल रहा है जिसका नाम है मेधावी बैच. जैसा आपका यूट्यूब पे बेटा, वहां पर प्रॉपर रेगुलरिटी के साथ, डीपीपीज के साथ, डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ, डेली लाइव सेशंस एंड लॉट्स ऑफ एनालिसिस, टेस्ट सीरीज के साथ बेटा बैच चल रहा है. उस बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हैं. आई एम टेकिंग रेगुलर सेशंस ओवर देयर. आप यू नो इमेजिन नहीं कर पाते वहां पर जो हमारी कनेक्टिविटी होती है प्लस वाले और आइकॉनिक वाले बच्चों के साथ, बिकॉज यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी ड्यूरिंग the class by raising your hand in audio. आप audio में मेरे से बात कर सकते हैं. तो बेटा ये जो बात है, ये जो interaction है, ये plus पे भी available है. plus पे also you can use the code SeepLife, ठीक है, to get enrolled. ठीक, and iconic पे भी बेटा
आपको ये बातचीत करने का मौका मिलता है, प्लस आइकॉनिक वाले बच्चों को मिलती है 1-to-1 मेंटोरशिप एंड 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस। सो आइकॉनिक पे भी मेरे सेशंस अवेलेबल हैं, आप सब लोग एनरोल कर सकते हैं, कोड आपके लिए सेम रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइफ। ठीक, यस गाइस, ओके, बैच का नाम पता होना चाहिए, दोनों जगह एक है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, कन्फ्यूजन ना रहे, अपने बैच का नाम है बेटा जी मेधावी बैच। ठीक, चलिए आगे चलें, थोड़ा सा अमाइनो एसिड आपका रिवाइज करा दें, क्या था अमाइनो एसिड में, याद है कि नहीं है, बता दो बेटा, थोड़ा सा अमाइनो एसिड अगर मैं आपका रिवाइज कराऊं, देखते हैं कौन बताता है फटाफट से। पहला टॉपिक अबाउट अमाइनो एसिड इज, हाँ जी, मैंने बताया था अमाइनो एसिड्स दे आर सब्स्टिट्यूटेड डैश, हाँ जी कौन बताएगा, अमाइनो एसिड दे आर सब्स्टिट्यूटेड, वन पेज रिवीजन हो रही है बेटा, सब्स्टिट्यूटेड डैश, हाँ जी किसका सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ जी बताइए, दे आर सब्स्टिट्यूटेड, किसमें चेंज लाई कि अमाइनो एसिड बन जाएगा, दे आर सब्स्टिट्यूटेड बता दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी मीथेन, अमाइनो एसिड्स दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, पहली चीज ये थी। अमाइनो एसिड में हमने देखा था कि चार ग्रुप्स होते हैं, है ना, सी की वैलेंसी पूरी करने के लिए, कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए बेटा एक जगह क्या लगा होता है H, दूसरी जगह क्या होता है COH, इधर क्या होता है NH2 और इधर क्या होता है R ग्रुप। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ R ग्रुप हमारे पास अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड थे, वी वर हैविंग एसिडिक अमाइनो एसिड जिसमें R ग्रुप क्या होता है COOH, वी वर हैविंग बेसिक अमाइनो एसिड एज वेल जिसमें R ग्रुप क्या होता है NH2 ग्रुप होगा। ठीक है, मतलब NH2 ग्रुप इज प्रोवाइडिंग बेसिसिटी, COH ग्रुप इज प्रोवाइडिंग एसिडिटी टू दिस स्ट्रक्चर। ठीक, एसिडिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल बहुत आसान थे, हाँ जी एसिडिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी, याद आया जिसके नाम में एसिड आता था, किसके नाम में एसिड आता था बेटा, ग्लूटामिक एसिड, है ना, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये दोनों एसिड अमाइनो एसिड कैसे है, एसिडिक। बेसिक की तो आपको ट्रिक बताई हुई थी, ट्रिक क्या कहती है, BAHL, बी फॉर बेसिक, ए फॉर आर्जिनिन, एच फॉर हिस्टिडिन, एल फॉर लाइसिन, तो ये आपके तीन अमाइनो एसिड क्या हो जाएंगे, बेसिक अमाइनो एसिड। देन आपको बताया था कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसमें ये एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपल न्यूट्रल चीजें प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल में आता है सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, यस गाइस, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड विच इज कॉल्ड एज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में जो आर ग्रुप होता है वो क्या होता है, एच। वैसे एक और अमाइनो एसिड है दैट इज कॉल्ड एज एलिनिन, एलिनिन में जो आर ग्रुप होता है दैट इज मिथाइल ग्रुप, दैट इज CH3, याद आया मिथाइल ग्रुप क्या था बेटा जी, CH3। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट, लास्ट क्लास रिवाइज कर रहे हैं बेटा आपकी रिकैप्चुलेशन के लिए, देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट देयर आर टोटल स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड, कितने अमाइनो एसिड है आपके पास, 20 अमाइनो एसिड्स हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, यानी कि यही अमाइनो एसिड है जो अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाने में मदद करते हैं। अब इन स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड्स में देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, उसको क्या बोलते हो, यस गाइस कम ऑन, देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड्स विच योर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, कैन नॉट वाले बताइए, हाँ जी क्या नाम बोलोगे, मैजिक 20, यस, उनका नाम क्या था यार, ब्रॉड कैटेगरी का नाम बताइए, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, दैट मींस वो आपको अपने न्यूट्रिशन से लेने पड़ेंगे, दे वर कॉल्ड एज एसेंशियल अमाइनो एसिड, कितने हैं ये अमाइनो एसिड्स, 10 अमाइनो एसिड्स फॉर चिल्ड्रन एंड बचे हुए 8 फॉर एडल्ट, हाँ जी इसका भी हमने क्या किया था, एक सिंपल सा न्यूमोनिक कर लिया था, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट टिम हॉल, ठीक है, जिसमें से ये दो हैं ये एडल्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं, दे आर सेमी एसेंशियल, बाकी सारे के सारे एसेंशियल है फॉर चिल्ड्रन, बचे हुए नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। ठीक है, अगली चीज हमने बात की थी कि जब आपने अमाइनो एसिड को डाला किसी सोल्यूशन में, मान लीजिए आपने पानी में डाल दिया है ना, सोल्यूशन में डाल दिया, तो अमाइनो एसिड अपना असली रंग दिखाता है, असली रंग क्या है अमाइनो एसिड का, हाँ जी असली रंग है कि एसिडिक ग्रुप इज गोइंग टू लूज
H पॉजिटिव बेसिक ग्रुप इज गोइंग टू गेन H पॉजिटिव. तो बेटा ये एक ऐसा आयन बन जाएगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है जिसमें नेगेटिव चार्ज भी है. दिस आयन इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन. क्या बोला जाता है इस आयन को? दिस आयन इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन. ठीक है. सो अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन इन द सोल्यूशन. ठीक. यस. हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. अब बात करते हैं बेटा जी प्रोटीन की. अब मुझे लगता है आपको अमाइनो एसिड बिल्कुल 100% क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है. अब बात करते हैं बेटा जी प्रोटीन की. ठीक. हाँ जी आज स्टार्ट करना है हमने प्रोटीन. बता दो एक बारी जोश से कि हाँ जी मैम पिछला सब क्लियर है, पिछला सब क्लियर है. अमाइनो एसिड किस फ्रैक्शन में आते थे? दे यूज टू कम इन एसिड सॉल्युबल और एसिड इन सॉल्युबल पूल. यस गाइस बताइए. They used to come in acid soluble or acid insoluble pool. Yes, yes, yes. बता दो तभी प्रोटीन बताओगे. Yes, yes, yes. They used to come in acid soluble pool. क्योंकि वो क्या थे? वो एक माइक्रो मॉलिक्यूल थे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे, मोनोमर्स थे. वो मोनोमर्स जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं. सो प्रोटीन्स बेसिकली बेटा जी दीज आर हेटेरोपॉलीमर्स. प्रोटीन्स क्या है? हेटेरो पॉलीमर्स ऑफ किसके? अमाइनो एसिड. बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़कर क्या बनाते हैं बेटा जी? प्रोटीन बनाते हैं. अब मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है हेटेरो. हेटेरो मींस डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड दे आर गोइंग टू जॉइन. ऐसा नहीं है कि बेटा आर्जिनिन 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 जुड़ के प्रोटीन बना रहे. नो. ऐसा भी नहीं है कि सिस्टीन 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 जुड़ के प्रोटीन बना रहे. नो. इट इज लाइक कि जो हमने 20 अमाइनो एसिड पढ़े थे उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन बढ़ता है और वो अलग अलग अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं आपकी बॉडी में? प्रोटीन्स बनाते हैं. दैट मींस द मोनोमेरिक यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज गोइंग टू बी, हाँ जी क्या बोलोगे? मोनोमेरिक यूनिट इज गोइंग टू बी अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड ने जुड़कर क्या बनाया? प्रोटीन बनाया. तो प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है ना, क्योंकि बहुत सारे अमाइनो एसिड इस तरीके से लाइन में जुड़ गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के. सो प्रोटीन इज गोइंग टू बिकम अ मैक्रो मॉलिक्यूल, राइट. तो प्रोटीन किस फ्रैक्शन में आएंगे? अब प्रोटीन बेटा सॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं आ सकते. खुद ही सोचो यार, छोटी चीज आती थी जो फिल्टर हो जाती थी, प्रोटीन क्या हो जाएंगे? बड़ा मॉलिक्यूल बन गया जो कि फिल्टर नहीं हो पाएगा. दैट मीन्स प्रोटीन इज गोइंग टू कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. किस फ्रैक्शन में आएंगे प्रोटीन? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, यानी कि रिटेंटेट फ्रैक्शन में आपका प्रोटीन आएगा. अब प्रोटीन के अंदर बहुत ध्यान से बेटा जी, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं, है ना? क्या जुड़ रहे हैं? अमाइनो एसिड. तो अमाइनो एसिड बना लें अपने, बना लेते हैं. चलो दो अमाइनो एसिड बनाते हैं. सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी जरूर साथ में खोलें और मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं, साथ साथ लिखें. अगर बेटा आप यहां पर मूवी की तरह देखने आओगे तो कभी ये मूवी अच्छी तो लगेगी देखने में, बिल्कुल वाह क्या मूवी है सब समझ आ रहा है, लेकिन बेटा याद नहीं रहेगी ये मूवी. और ये मूवी तुमको याद रखनी है. इसके लिए ट्रिक है कि साथ साथ नोट्स बनाया करो, लिखा करो जो मैं यहां पर लिख रही हूं, ठीक है? और मैं डेलिबरेटली मैं ये चैप्टर लिख लिख के पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चे को, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है तो बच्चे रो देते हैं. अगर मैं यहाँ स्लाइड दिखा दूंगी ना बेटा, रो दोगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया. इसीलिए साथ साथ लिखो, ठीक. चलिए तो दो अमाइनो एसिड बना लेते हैं, ठीक. ये पहला अमाइनो एसिड, ऊपर H ग्रुप, नीचे R ग्रुप, इधर COOH, इधर क्या हो जाएगा? NH2, ठीक, C अल्फा. इधर एक दूसरा अमाइनो एसिड बना लेते हैं, सी. हाँ जी, इधर हो जाएगा H ग्रुप, इधर हो जाएगा R ग्रुप, इधर हो जाएगा COOH, और इधर NH2 को आई एम राइटिंग HNH. लिख सकते हैं? दुख दर्द तो नहीं होगा तुमको, लिख सकते हैं? NH2 को मैंने क्या लिख दिया? HNH. ये भी हो गया अपना C अल्फा, ठीक. चलिए तो ये हो गया आपके दो डिफरेंट अमाइनो एसिड. इधर R ग्रुप करते थे, इधर R डैश करते थे, तो अलग अलग अमाइनो एसिड हो गया. अब when two amino acid they are going to join to form protein, they are going to form protein by a bond. इन दोनों amino acid के बीच में एक bond बनेगा. वो bond बनेगा by loss of water molecule. किसका loss होगा? Water, H2O. इधर से एक H लिया और इधर से HO ले लिया, ठीक है.
by the loss of water molecule, there is going to be formation of a bond, and that bond between two amino acid is called as peptide bond. बना दे peptide bond. चलिए दोबारा लिखते हैं यहाँ पर. So ये था आपका C alpha, इधर बच गया CO, इधर बच गया NH, इधर बन गया फिर C alpha. ठीक. हाँ जी, this is N terminal, this is again H, R, H, R dash, COOH. ये जो बेटा जी बीच में बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड, दिस CONH बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वॉटर, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड. क्या नाम रखोगे बेटा? CONH बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक. यस गाइस, क्या नाम है? पेप्टाइड बॉन्ड. अच्छा, तो अभी के लिए दो अमाइनो एसिड जुड़े. कितने जुड़े? ध्यान से सुनना. फॉर नाउ देयर इज जॉइनिंग ऑफ टू अमाइनो एसिड. जब दो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डाई पेप्टाइड. जितने अमाइनो एसिड जुड़ेंगे उतने हिसाब से आप पेप्टाइड बना दोगे. दो अमाइनो एसिड जुड़े तो बेटा डाई पेप्टाइड, तीन जुड़े ट्राई पेप्टाइड, चार जुड़े टेट्रा पेप्टाइड, सात आठ जुड़ गए ओलिगोपेप्टाइड, उससे भी ज्यादा बेटा 100-200,000 जुड़ गए पॉलीपेप्टाइड. यस गाइस, हाँ जी, क्या बन जाएगा? जितने अमाइनो एसिड वैसा ही पेप्टाइड. तो ये पेप्टाइड कौन सा है आपका? डाई पेप्टाइड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डाई पेप्टाइड. डाई पेप्टाइड यानी कि इसके पास दो अमाइनो एसिड है. मानते हो? डाई यानी कि टू. पेप्टाइड बॉन्ड कितने बताओ? पेप्टाइड बॉन्ड कितने? यस गाइस, पेप्टाइड बॉन्ड कितने? यस यस यस, कम ऑन, सब बच्चे बताएंगे. कितना पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है यहां पर? हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड? हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड? 1, 2, 3, 4, 11. बेटा दो अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं बाय अ सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड. सो डाई पेप्टाइड में दो अमाइनो एसिड होते हैं और एक क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है. ठीक है, एक क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है. सेम वे जो स्ट्रक्चर होगा आपका ट्राई पेप्टाइड, देयर इज गोइंग टू बी अ स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू बी ट्राई पेप्टाइड. ट्राई पेप्टाइड इज गोइंग टू हैव थ्री अमाइनो एसिड, क्योंकि ट्राई है, थ्री अमाइनो एसिड. लेकिन बॉन्ड कितने होंगे? बॉन्ड कितने होंगे बेटा? खुद बना के भी देखोगे तो भी तुम्हारे पास आ जाएगा, देयर आर गोइंग टू बी टू पेप्टाइड बॉन्ड. टू पेप्टाइड बॉन्ड. तो क्या बेटा पेप्टाइड बॉन्ड के लिए कैन आई राइट वन फॉर्मूला? दैट पेप्टाइड बॉन्ड नंबर, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज गोइंग टू बी एन माइनस वन, वेयर एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड. टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, क्या ये बात बेटा सच है कि नहीं है? दैट पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? एन माइनस वन. एन इज टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड. अगर आपके टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 3 है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 2. अगर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 30 है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 29. अगर 50 है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 49. सिंपल. यस गाइस, ये बात समझ आई? ये बात सबको समझ आई? ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया. अब बेटा फिर से प्रोटीन्स पे आ जाते हैं. प्रोटीन्स आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, है ना? एक प्रोटीन क्या है? एक बहुत ही लंबी सी चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन. अच्छा बेटा, ये AA तो पता है ना क्या होता है? ये AA तो पता है ना क्या होता है? कुछ और मत सोच लेना, किसी का नाम नहीं है. दिस AA इज, हाँ जी, अमाइनो एसिड. जो बच्चों की आज पहली क्लास है बेटा, हम AA एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं अमाइनो एसिड के लिए. डोंट टेक इट अदरवाइज, इट इज नॉट नेम ऑफ समवन, इट इज जस्ट अमाइनो एसिड. सो प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक. अब देयर कुड बी अ सिंगल चेन, एक सिंगल चेन वाला प्रोटीन भी हो सकता है. देयर कुड बी डबल चेन, मतलब एक से ज्यादा चेन्स भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ चेन्स, है ना? आपकी नंबर ऑफ चेन्स कितनी है? नंबर ऑफ चेन्स, देयर कुड बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, है ना? दो अलग तरीके के प्रोटीन्स हो सकते हैं. वन इज कॉल्ड एज मोनोमेरिक प्रोटीन, मोनोमेरिक प्रोटीन.
other one is called as oligomeric protein. Monomeric and oligomeric, नाम से क्लियर है ना, नाम से क्लियर है, ठीक है. मोनोमेरिक यानी कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना, जिसके पास क्या होगी, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज कॉल्ड एज मोनोमेरिक प्रोटीन. जैसा कि आपका मायोग्लोबिन, एक ही चेन होती है, ठीक है. एग्जाम्पल इज ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज मायोग्लोबिन. सिंगल चेन है, बिल्कुल एक चेन, लाइन से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई. हाँ जी, ओलिगोमेरिक, ओलिगोमेरिक इज गोइंग टू बी मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, एक से ज्यादा बेटा जिसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन होगी. एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी, एग्जाम्पल गाइज, हेयर एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन कितनी चेन्स होती हैं बेटा, चार होती हैं. अनदर एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी मेच्योर इंसुलिन. ड्रॉपर बच्चे, मेधावी बैच वाले बच्चों, इंसुलिन में चेन्स बताई थी, कितनी चेन्स होती हैं मेच्योर इंसुलिन में. इट इज गोइंग टू हैव टू चेन्स, ए बी ए एंड बी चेन. सी वाली तो मेच्योर में होती नहीं है, ठीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ चेन्स अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हो सकते हैं. तो अभी हम बात करेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है. ये टू टाइप्स के प्रोटीन हो गए. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक. हाँ जी, आ जाइए स्ट्रक्चर पे, आ जाइए. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. ये फाइल आपके साथ बेटा टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगी, लेकिन प्लीज साथ साथ लिखने की आदत डाला करो. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. हाँ जी, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अलग अलग लेवल्स हैं. जैसे होता नहीं कि एक वो मैथ्स वाले बच्चों के साथ होता है, टेंथ में बेटा ऐसा कुछ सीन है ना मैथ्स वालों के साथ, कि अगर आप आईआईटी करना चाहते हो, नॉन मेडिकल में जाना चाहते हो, तो आपको एडवांस्ड वाला मैथ करना है. और अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो तो यू कैन गो विद बिगनर्स सिंपल मैथ्स एज वेल, है ना. ऐसा चॉइस है ना, येस और नो बताओ. तुम टेंथ करके आए हो अभी, येस मिल जाएगा रूब इसको, दोनों साथ ही दे दूंगी, अमाइनो एसिड के साथ ही प्रोटीन दे दूंगी, ठीक है. ऐसा होता है ना, हाँ जी बता दो. यस बिल्कुल सही है यार. एक लेवल होता है, मतलब मैथ्स का भी एक लेवल होता है कि जिन्होंने मेडिकल करना है वो इतने लेवल का कर लो, जिन्होंने आगे मैथ्स रखना है वो इस लेवल का करो. वैसे ही बेटा प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी देयर आर सर्टेन लेवल्स. एक सिंपल है, सिंपल से बेटा मीडियम लेवल हो जाएगा, मीडियम से और कॉम्प्लेक्स लेवल हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है. तो पहले स्ट्रक्चर में आता है सिंपलेस्ट लेवल ऑफ द प्रोटीन. मतलब प्रोटीन एक्चुअली में है क्या, प्रोटीन बेटा अमाइनो एसिड की चेन है. अमाइनो एसिड को लाइन में जोड़ दोगे वो क्या बन जाएगा, एक प्रोटीन बन जाएगा. सो द फर्स्ट लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी द प्राइमरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. कौन सा स्ट्रक्चर करने वाले हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सिंपली लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड लाइन में. वो स्प्रेयर के टाइम बेटा होता नहीं, आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ सब बच्चे लाइन में लग जाइए, हाइट वाइज वन हैंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्टूडेंट्स, ऐसा प्रेयर करते थे ना असेंबली में जाते हो. अब तो खैर तुम स्कूल नहीं जाते हो, पहले जब तुम स्कूल जाते थे तो रोज असेंबली होती थी, एंड दिस इज हाउ असेंबली यूज टू हैपन, ठीक है. लीनियर लाइन में बिल्कुल. तो वही है बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट इज द लीनियर, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ किसका, अमाइनो एसिड. लाइन में लग जाए सब, चलिए लाइन में लगा देते हैं. ये बेटा पहला अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, देन दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे तरीके की कितनी भी लंबी चेन बना सकते हो बेटा, कितनी लंबी चेन बना सकते हो. अगर मैं फर्स्ट अमाइनो एसिड की लेफ्ट साइड पे देखूंगी तो मुझे NH2 ग्रुप मिलेगा या COH ग्रुप मिलेगा, बताइए. आई एम आस्किंग अगेन, अगर मैं फर्स्ट अमाइनो एसिड के लेफ्ट हैंड साइड पे देखूंगी, लेफ्ट हैंड साइड इज दिस वन, मुझे NH2 ग्रुप मिलेगा या COH ग्रुप मिलेगा, यस yes, बताइए बताइए बताइए. फर्स्ट अमाइनो एसिड के लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो कौन सा ग्रुप मिलेगा बेटा, देन आई एम गोइंग टू गेट NH2 ग्रुप. दैट मीन्स ये जो अपना पहला अमाइनो एसिड है, क्या इसको बोल सकते हैं, दिस इज N टर्मिनल अमाइनो एसिड, येस और नो बोल सकते हैं ना, N टर्मिनल अमाइनो एसिड. अगर हम लास्ट अमाइनो एसिड इस चेन में देखेंगे उसमें हमें कौन सा ग्रुप दिखेगा, COH ग्रुप दिखेगा. दैट मीन्स दिस अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज सी
टर्मिनल अमाइनो एसिड. क्या नाम रख देंगे इसका? सी टर्मिनल अमाइनो एसिड. सो ये जो लीनियर अरेंजमेंट है, हियर द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज एन टर्मिनल क्योंकि उसका एन टर्मिनल फ्री है. लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज सी टर्मिनल अमाइनो एसिड. एंड ऑल द अमाइनो एसिड्स दे आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड. बॉन्ड इनके बीच में कौन सा है? बॉन्ड है बेटा जी अपना वही वर्ल्ड फेमस पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं. ठीक. अब यार तुम्हारे अंदर भी 20 अमाइनो एसिड, मेरे अंदर भी वही 20 अमाइनो एसिड, तुम्हारे दोस्त के अंदर भी वही 20 अमाइनो एसिड, योर पेरेंट्स ऑल्सो हैव द सेम 20 अमाइनो एसिड, देन वाई वी ऑल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? ठीक है, हमारे अंदर के प्रोटीन्स अलग क्यों हैं? मेरे बाल स्ट्रेट, तुम्हारे बाल कर्ली क्यों हैं? मेरी आंखें ब्लैक तो तुम्हारी आंखें नीली क्यों हैं? है ना? तो जब सबके अंदर वही 20 अमाइनो एसिड्स हैं, व्हाई वी ऑल लुक डिफरेंट? एनी आइडिया? व्हाई डू वी ऑल लुक डिफरेंट? वी लुक बिकॉज ऑफ आर प्रोटीन्स. मैं आज ऐसे इसीलिए दिखती हूँ क्योंकि मेरे अंदर प्रोटीन्स इस टाइप के हैं. आप वैसे इसलिए दिखते हैं बिकॉज यू हैव दोज काइंड ऑफ प्रोटीन. बट अमाइनो एसिड तो सब में सेम है. तुम्हारे पास भी वही 20, मेरे पास भी वही 20, देन वाई आर वी सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? यस, बिकॉज ऑफ जीन्स. ओके, पार्शली करेक्ट, पार्शली करेक्ट. यस यस, एब्सोल्यूटली, बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड. आपकी जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, इसका अरेंजमेंट क्या है? अलग है. दैट मीन्स जो प्रोटीन बनता है, कोई भी अगर प्रोटीन बन रहा है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं, सबसे पहले ग्लाइसिन आ गया. ग्लाइसिन के साथ सिस्टीन जुड़ा हुआ है, सिस्टीन के साथ सीरिन जुड़ा हुआ है, सीरिन के साथ ट्रिप्टोफैन जुड़ा हुआ है. ठीक है, ये जो सीक्वेंस बनता है ना, दिस सीक्वेंस इज हाईली स्पेसिफिक सीक्वेंस. दिस सीक्वेंस इज हाईली स्पेसिफिक सीक्वेंस. अगर आपने बीच में एक भी चेंज कर दिया, मान लो आपने सिस्टीन पहले ग्लाइसिन बाद में लगा दिया, प्रोटीन अलग. आपने एक चीज गायब कर दी, सिस्टीन रिमूव कर दिया, प्रोटीन अलग. आपने बेटा ट्रिप्टोफैन की जगह टायरोसिन लगा दिया, प्रोटीन अलग. दैट मींस ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है ना, ये सब में अलग अलग है. इसीलिए अलग अलग प्रोटीन्स हैं, इसीलिए वी ऑल हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स. सो द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशी, है ना? अरेंजमेंट of amino acid is going to determine the type of protein. बोल सकते हैं कि नहीं? Is going to determine type of the protein. ठीक है बेटा जी, क्या arrangement है उसी हिसाब से क्या बनेगा? आपका protein बनेगा. ठीक है, protein बन गया. Yes, हाँ जी. That means आपकी प्राइमरी स्टेज पे पता चल जाता है कि मुझे प्रोटीन क्या बनना है, चाहे वो प्रोटीन फंक्शनल हो ना हो. इस स्टेज पे यू नो कि क्या प्रोटीन बनना है क्योंकि आपका अरेंजमेंट आ चुका है. यहां पर जैसा आपका डीएनए कोडिंग करेगा, वैसा ही अरेंजमेंट बनेगा अमाइनो एसिड का, वैसा ही प्रोटीन बनेगा. दैट मींस एट दिस टाइम द प्रोटीन हैज बिकम, कैसा बन चुका है प्रोटीन? प्रोटीन हैज बिकम, हां जी, कैसा? इट हैज बिकम स्पेसिफिक. मुझे पता चल चुका है कि कौन सा प्रोटीन है, बट नॉट फंक्शनल. इस स्टेज पर प्रोटीन काम नहीं करता है. फॉर प्रोटीन टू बी फंक्शनल देयर हैज टू बी प्रॉपर काइंड ऑफ फोल्डिंग. उसकी फोल्डिंग होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? फंक्शनल होगा. यस गाइस, तो प्रोटीन अटेन स्पेसिफिसिटी एट विच स्ट्रक्चर? क्वेश्चन आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, किस स्टेज पे वो स्पेसिफिक हो जाता है? इट बिकम स्पेसिफिक एट प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है, यस, हाँ जी, पता चल गया, बिल्कुल ठीक है. इस स्टेज पे आपको ये तो पता चल जाएगा कि प्रोटीन का नाम क्या है, लेकिन वो काम नहीं करेगा. ठीक, हाँ जी, तो काम कराने के लिए क्या करोगे? फोल्ड करोगे. प्रोटीन को क्या करोगे बेटा? फोल्ड करोगे. फोल्डिंग के बाद स्ट्रक्चर हमारे पास जो बनते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेवल. थोड़ा सा बिगिनर से एडवांस लेवल पे आ जाओ. दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ठीक है बेटा जी, हाँ जी, क्या डिस्कस कर रहे हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? बाय फोल्डिंग ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर. सिंपल है बेटा, क्या करना है आपने?
folding of the primary structure. They are formed by folding of primary structure. अच्छा बेटा एक चीज याद रख लेना, मैम की शॉर्ट फॉर्म्स, मैम की क्या मतलब, ये सबकी जनरल शॉर्ट फॉर्म्स है. अगर मैं यहाँ पर कहीं भी लिखूं वन डिग्री का क्या मतलब होगा, प्राइमरी. इफ आई विल राइट टू डिग्री दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी. इफ आई विल राइट थ्री डिग्री दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट टर्शरी. इफ आई विल राइट फोर डिग्री दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट क्वार्टरनरी. ठीक, तो ये लैंग्वेज से थोड़ा सा एक्लिमेटाइज हो जाइए. सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर. अब यार बड़े अलग अलग तरीके की फोल्डिंग हो सकती है ना. देयर कुड बी फोल्डिंग इन वेरियस टाइप्स. जैसे कि फोल्डिंग में तो ऐसे ऐसे भी तो हो सकती है. देखिए, लुक एट दिस. आई एम डूइंग फोल्डिंग विद द वायर ऑफ माई चार्जर. ठीक है, देख रहे हो, ऐसे गोल 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 फोल्डिंग करते जाओ. ये देखिए, इस तरीके का आपके पास हेलिक्स बन जाएगा. ये थोड़ा सा बेटा डिस्टर्ब्ड हेलिक्स है, बट इस तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड पे फोल्ड करती जाऊं तो आपके पास क्या बन जाएगा, हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा. एक फोल्डिंग आप ऐसे कर सकते हो, एक फोल्डिंग बेटा जिगजैग वे में भी कर सकते हो. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फोल्डिंग हमारे पास अलग अलग तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. सबसे पहला सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, हाँ जी, दैट इज गोइंग टू बी अल्फा हेलिक्स. फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स में आपने क्या किया, आपने राइट हैंड साइड पे प्राइमरी स्ट्रक्चर को कॉइल कर दिया, कॉइलिंग लाइक दिस. देख रहे हो, कॉइलिंग कर दी. ठीक है, दैट मीन्स प्रोटीन की क्या हो गई, राइट हैंडेड कॉइलिंग. ठीक है, प्रोटीन अंडरगोज कैसी कॉइलिंग, राइट हैंडेड, राइट साइड पे बेटा, राइट हैंडेड कॉइलिंग, याद रखना. ठीक है, लेफ्ट साइड पे रोटेट नहीं करता, किस साइड पे करता है, राइट साइड पे. अच्छा, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा बताइए, एक बॉन्ड होगा ही होगा. कमन गाइस टेल मी विच बॉन्ड वुड बी प्रेजेंट ओवर हेयर, विच बॉन्ड इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ओवर हेयर. एक तो पता ही है, यस, राइट हैंडेड कॉइलिंग हो गई है. बताओ कौन सा बॉन्ड है, गलत. एक तो बेटा बेसिक बॉन्ड होगा जिससे प्रोटीन जुड़े हुए हैं, जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था. कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा ही होगा. सो दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू हैव ऑब्वियसली अ पेप्टाइड बॉन्ड. एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, साथ ही में बेटा क्या प्रेजेंट हो गए, एडिशनल बॉन्ड टू स्टेबलाइज दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड. और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड. हर चौथे अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड. एग्जाम्पल गाइज, जैसे मान लीजिए ये अमाइनो एसिड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है ना, पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है. साथ ही बेटा क्या प्रेजेंट होगा, एक आपका हाइड्रोजन बॉन्ड. एवरी फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ देयर इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन बॉन्ड. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ बॉन्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अपने पास, है ना, O है, N है, साथ ही में एक इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, आपके H के साथ बॉन्ड बना लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन बॉन्ड. एवरी फोर्थ अमाइनो एसिड दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. क्या बोलते हो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक, यहां लिख लेते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है बेटा, इस तरीके से आपकी बॉन्डिंग प्रेजेंट है यहां पर, दैट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस राइट हैंडेड हेलिक्स, जब बेटा ये पूरा 360 डिग्री का टर्न ले लेता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना. दिस इज कॉल्ड एज पिच ऑफ द हेलिक्स. इसने पूरा एक ऐसे 360 डिग्री का टर्न ले लिया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दिस इज कॉल्ड एज द पिच. एंड द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 5.4 एंगस्ट्रॉम. कितनी पिच है बेटा, 5.4 एंगस्ट्रॉम. याद रहेगी, याद रखनी है, नहीं रहे तो सवाल ही नहीं है. यू हैव टू लर्न गाइज, हैव टू ठीक है. पिच इज 5.4 एंगस्ट्रॉम. ठीक,
और एक टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड फिट आते हैं, कितने, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने, 3.5 से थोड़ा ज़्यादा, 3.6 रेजिड्यूज, वन टर्न इज गोइंग टू बी 3.6 रेजिड्यूज, रेजिड्यूज किसके, अमाइनो एसिड के, यानी कि जब ये एक टर्न होता ना तो एक दो तीन पूरे अमाइनो एसिड आ जाते, साथ ही बेटे जो लास्ट वाला है थर्ड है उसका 0.6 पोर्शन भी साथ में आ जाता है, 3.6 रेजिड्यूज। दिस इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, फर्स्ट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटीन जो इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं दैट इज अल्फा केराटिन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन होगा, अल्फा केराटिन। यस, फर्स्ट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर डन। हाँ जी बता दीजिए, फर्स्ट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर डन, अल्फा केराटिन। बेटा अल्फा केराटिन कहाँ होता है, आपके बालों में होता है, आपके नेल्स में होता है, केराटिन ट्रीटमेंट कराती है ना लड़कियाँ, टीवी में भी आता है, दिस इज केराटिन स्मूथ शैम्पू, इस शैम्पू में केराटिन है जिससे आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे। पार्लर में भी जाती है लड़कियाँ अपने बाल स्मूथ कराने के लिए केराटिन, तो योर हेयर दे डू हैव केराटिन। जब केराटिन खत्म होने लगता है तो रफनेस आ जाती है बालों में, तो यस दिस अल्फा केराटिन इज प्रेजेंट इन योर हेयर, बालों में, साथ ही में आपके नेल्स में। ठीक, और ये जो अल्फा केराटिन है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिक्स, है ना, अल्फा हेलिक्स। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पेज। सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी बीटा प्लेटेड शीट्स, सेकेंड इज गोइंग टू बी बीटा प्लेटेड शीट्स, है ना, बीटा प्लेटेड शीट्स। In this, the polypeptide chain is going to be like this. ऐसे होगी बेटा, देख रहे हो? Yes, like this. है ना? Yes. This is how the chains, they are present in the form of sheets. Joined by again hydrogen bonds. इसमें भी sheets को stabilize करने के लिए क्या present है आपका, hydrogen bond present है. This is beta plated sheet. इन्हीं को बोलते हैं बेटा, ठीक. And this bonding, ये जो मैंने यहाँ पर yellow color से दिखाई है, this is hydrogen bond and this is going to be intermolecular hydrogen bond. क्या है ये, intermolecular hydrogen bond. Yes guys. So this is beta plated sheets. Example of the protein जो इस form में exist करते हैं that is going to be beta keratin. ठीक, हाँ जी, कहाँ मिलता है beta keratin, natural silk में, ये जो आपका silk का कपड़ा होता है ना, असली silk fibroin, that is basically having this protein beta keratin. Yes guys, intermolecular hydrogen bond. ठीक, folded सा appearance है, जैसे तय नहीं लगा देते आप किसी चीज की, उसी तरीके से आपको तय लगानी है, beta plated sheets. Okay, third type and the last type of secondary structure is going to be triple helix. Triple helix में बेटा there are going to be तीन helices. तीन helix बनेंगे. This is one chain. ठीक, then this is going to be the second chain. And then this is going to be the third one. Teen helices bana dijiye yahan par. And these are stabilized by, kaise stabilize hote hain, by special kind of bond which are called as oblique hydrogen bond. Dekh rahe ho, these bonds are called as oblique hydrogen bond. अब बात आती है कि इसका एग्जाम्पल क्या है. हाँ जी, ट्रिपल हेलिक्स का एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, दैट इज कोलाजन. कोलाजन इज अ प्रोटीन जो कि ट्रिपल हेलिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड बेटा इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल किंगडम. मोस्ट अबंडेंट, यस, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम. ठीक है बेटा जी, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम, दिस इज कॉल्ड एज कोलाजन. याद रहेगा, मोस्ट अबंडेंट. बेटा एनिमल किंगडम है क्या, हमारे यूनिवर्स में सिर्फ एनिमल किंगडम है, बाकी भी तो है आपका, प्लांट किंगडम है, फंजाई है, और है,
जब आप when you know you try to sneeze and वो रुक जाती है, जब आपकी छींक बेटा बीच पे रुक जाती है ना, बड़ा अजीब लगता है. बिल्कुल वैसा ही हुआ मेरे साथ. आने वाली थी बट वो रुक गई, है ना. समझ, आई गेस आप मेरी भावना समझ गए होगे, राइट. चलिए कोई बात नहीं. सो ट्रिपल हेलिक्स कोलाजन, यस, समझ गए. सबके साथ होता है, इट्स ओके. चलिए, सो ये जो आपके अल्फा हेलिक्स है और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है, दीज आर एक्चुअली गिवन बाय लाइनस पॉलिंग. लेट मी राइट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. ये जो आपके अल्फा हेलिसिस थी, दिस इज द अल्फा हेलिसिस एंड दिस इज द बीटा प्लीटेड शीट्स. दीज टू स्ट्रक्चर्स, दीज आर गिवन बाय लाइनस पॉलिंग. बट द थर्ड टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें आपने क्या देखे, तीन तरीके के हेलिसिस देखे, दिस इज गिवन बाय रामाचंद्रन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि किसने स्ट्रक्चर दिए. दिस इज अल्फा हेलिकल, दिस इज बीटा प्लीटेड एंड दिस इज ट्रिपल हेलिक्स. यस गाइस, तो ये बात हो गई आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर की. अब आगे बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर. हाँ जी, टॉकिंग अबाउट टर्शरी स्ट्रक्चर. ठीक, हाँ जी, टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, देयर इज मच मोर फोल्डिंग. और भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड होगा. दिस इज फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. फोल्डिंग ऑफ टू डिग्री यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अब यार इसकी फोल्डिंग इस तरीके से होगी कि एक ऊन का गोला लगेगा. ये देखिए इस तरीके से बेटा फोल्डिंग होती जा रही है. ठीक है, इट इज अपियरिंग लाइक अ बॉल ऑफ वूल. कैसा दिख रहा है, बॉल ऑफ वूल. यानी कि पहले जो प्रोटीन था वो धागे की तरह था, है ना. एक धागा है, उसको ऐसे ऐसे गोल कर दो, ऐसे ऐसे कर दो. सो दैट वाज अ फाइब्रस स्ट्रक्चर. अब जो प्रोटीन हो गया है वो एक गोल बॉल की तरह हो गया है. दैट मींस नाउ द प्रोटीन हैज बिकम ग्लोब्यूलर प्रोटीन. कैसा बन गया है, ग्लोब्यूलर. ये कैसे थे बेटा, फाइब्रस थे, है ना. एक धागे की तरह है, धागे में मॉडिफिकेशन है. ये एक बॉल की तरह है, ग्लोब की तरह है. क्या कहलाएगा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन. ठीक, दिस इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन. इफ यू विल लुक एट टर्शरी स्ट्रक्चर इन डिटेल, अगर मैं देखूं टर्शरी स्ट्रक्चर में, तो इसमें पेप्टाइड और हाइड्रोजन के अलावा बहुत सारे बॉन्ड्स हैं. कौन कौन सी बॉन्डिंग है बेटा, देयर इज गोइंग टू बी आयनिक बॉन्ड, देयर इज गोइंग टू बी डाइसल्फाइड बॉन्ड. ठीक है, आयनिक बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, वॉन्डर वॉल इंटरैक्शंस हैं. ठीक, देयर इज गोइंग टू बी वॉन्डर वॉल इंटरैक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, बहुत सारे इंटरैक्शंस हैं. सो देयर आर गोइंग टू बी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, देयर आर गोइंग टू बी वॉन्डर वॉल इंटरैक्शंस. सो दैट मीन्स टर्शरी स्ट्रक्चर के पास मैक्सिमम टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट है. कुछ वीक बॉन्ड्स भी हैं. टर्शरी स्ट्रक्चर हैज गॉट सर्टेन वीक बॉन्ड्स प्लस इट हैज गॉट सर्टेन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एज वेल. ठीक है, बहुत सारे बॉन्ड्स हैं. इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, इसके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा. ठीक, सो इट इज अ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर. अभी तक हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा मुझे यही स्टेबल लग रहा है ना. सबसे ज्यादा मुझे यही वाला स्ट्रक्चर क्या लग रहा है, स्टेबल लग रहा है. अब टर्शरी का फायदा क्या है, देख रहे हो बेटा, टर्शरी का फायदा क्या है, आ जाइए. टर्शरी का फायदा आता है प्रोटीन को फंक्शनल बनाने में. सो इट इज दैट स्ट्रक्चर वेयर प्रोटीन बिकम्स फंक्शनल. प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर पे फंक्शनल नहीं होता, मैंने आपको बताया था. प्रोटीन की फंक्शनैलिटी कब आती है, टर्शरी स्ट्रक्चर में. ऐसा क्यों, लिखने के लिए तो है नहीं, रट्टे तो मार नहीं रहे हम यहाँ पर. ठीक है, ऐसा इस वजह से क्योंकि बेटा जब प्राइमरी स्ट्रक्चर था ना, तो अमाइनो एसिड दूर दूर बैठे थे. मान लीजिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है. फंक्शनल होने के लिए इन तीनों को नजदीक आना जरूरी है. प्राइमरी में तो बेटा दूर दूर है, बड़ी दूर दूर है. लेकिन जब हमने क्या बनाया,
टर्शरी स्ट्रक्चर बनाया. क्या बनाया बेटा जी? टर्शरी स्ट्रक्चर बनाया. तेरे तीनों नजदीक आ गए. ये आ गया बेटा A1, ये आ गया आपका A2 और ये आ गया आपका A3. तीनों नजदीक आ गए और तीनों ने नजदीक आने के बाद क्या बना ली? एक फंक्शनल साइट बना ली. एंड इस फंक्शनल साइट को एंजाइम के केस में आप क्या बोलते हो? एक्टिव साइट. दिस फंक्शनल साइट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट. फंक्शनैलिटी आती है व्हेन सर्टेन काइंड ऑफ अमाइनो एसिड दे कम टुगेदर एंड फॉर्म द एक्टिव साइट. इसमें दे वर प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम ईच अदर बट हियर दे आर प्रेजेंट टुगेदर. दिस इज हाउ फंक्शनल दे बिकम. एंड स्पेशली फंक्शनैलिटी हम बात कर रहे हैं अबाउट एंजाइम्स. सो एंजाइम्स भी एक प्रोटीन है. ऑल एंजाइम्स विद एक्सेप्शन ऑफ टू दे ऑल आर प्रोटीन्स एंड दे आर फंक्शनल एट टर्शरी स्टेज. सो जो प्रोटीन टर्शरी में प्रेजेंट होता है जनरली क्या होता है? एंजाइम होता है. ठीक है ना? यस. तो अगर आपसे पूछा जाए ऑल एंजाइम्स एग्जिस्ट इन डैश फोल्डिंग तो आप क्या आंसर देंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी? वॉट आंसर यू आर गोइंग टू गिव? ऑल एंजाइम्स दे एग्जिस्ट इन डैश फोल्डिंग. कम ऑन, वॉट आंसर यू आर गोइंग टू गिव? हाँ जी, ऑल एंजाइम्स एग्जिस्ट इन डैश फोल्डिंग. बताइए, फोल्डिंग बताइए. बिल्कुल सही है. ऑल एंजाइम्स दे एग्जिस्ट इन टर्शरी फोल्डिंग एंड दे आर बेसिकली टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स. ठीक है, मोस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन. ओके, अब क्या प्रोटीन सिर्फ टर्शरी में है? ये तो एक चेन की बात हो गई कि एक चेन आपकी ऐसे लीनियर भी हो सकती है, सेकेंडरी में हेलिकल भी हो सकती है, टर्शरी में बेटा जी ऐसे उनका गोला भी हो सकती है. एक से ज्यादा चेन हुई तो? ओलिगोमेरिक प्रोटीन हुआ तो फिर क्या करोगे? एक से ज्यादा चेन हुई तो आपके पास एक नेक्स्ट लेवल का स्ट्रक्चर आता है विच इज कॉल्ड एज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. सो द लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ठीक है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. एंड इन दिस स्ट्रक्चर देर आर टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, फॉर्म्ड बाय ओलिगोमेरिक प्रोटीन. समझ रहे हो? दीज आर फॉर्म्ड बाय ओलिगोमेरिक प्रोटीन. ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा प्रोटीन आपस में जुड़ रहा है. मान लीजिए एक प्रोटीन है जिसके पास अपना टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरा प्रोटीन है जिसके पास अपना टर्शरी स्ट्रक्चर है, देयर इज अ थर्ड प्रोटीन हैविंग इट्स ओन टर्शरी स्ट्रक्चर एंड द फोर्थ प्रोटीन हैविंग इट्स ओन टर्शरी स्ट्रक्चर. इफ देयर आर मोर देन वन प्रोटीन, हर एक के पास अपना अपना टर्शरी स्ट्रक्चर और वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, हर एक के पास अपना अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल ऑफ द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी, हाँ जी, हेमोग्लोबिन इज अ स्ट्रक्चर जिसके पास चार चेन्स होती हैं. इट हैज गॉट फोर चेन्स. ठीक, फोर पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें टू अल्फा चेन्स होंगी एंड टू क्या होंगी? बीटा चेन्स होंगी. सो हेमोग्लोबिन इज अ स्ट्रक्चर जिसके पास चार पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक से ज्यादा है तो यार ये क्या है? ओलिगोमेरिक प्रोटीन हुआ कि नहीं हुआ? येस और नो, है ना? ओलिगोमेरिक हुआ या नहीं हुआ? यस गाइस, हो गया ना ओलिगोमेरिक? दो अल्फा चेन है, दो बीटा चेन है, आपस में क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं. देखिए, सो फॉर एग्जांपल दीज टू आर अल्फा एंड दीज टू आर बेटा जी बीटा. हर चेन को बोला जाता है एक प्रोटोमर. चार प्रोटोमर जुड़ के क्या बनाते हैं? एक टेट्रामर बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एक टेट्रामर बनाते हैं. ठीक है, यस. हाँ जी, तो ये बात हो गई आपके क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की. वर्ल्ड फेमस एग्जांपल इज गोइंग टू बी योर हेमोग्लोबिन. ठीक, चलिए आगे चलते हैं टू द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन की. प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है फंक्शन के हिसाब से? यस, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन. हाँ जी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन. अच्छा एक बात बताइए, आप स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते? डू यू गाइज गो टू स्कूल और नॉट? हाँ जी,
बताइए, डू यू गाइज गो टू स्कूल और नॉट? नो, नहीं जाते हैं? अब तो बेटा मैंने सुना स्कूल खुल गए, नहीं जाते हैं? ड्रॉपर हैं, है ना? जो मेरे ख्याल से जो 11th एंड 12th है, दे हैव टू गो टू स्कूल, राइट, फॉर एटलीस्ट सम डेज इन अ वीक, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे माइट हैव द चांस टू स्किप द स्कूल. तो फिर बेटा सुबह क्या करते हो बताओ? चलो शाम को क्या करते हो? स्कूल नहीं जाते हो? कुछ सेल्फ स्टडी करते हो कि नहीं करते हो? देखो बिना सेल्फ स्टडी के बात नहीं बनेगी यहाँ पर, है ना? बिना सेल्फ स्टडी के बेटा बात नहीं बनेगी. डम्मी एडमिशन, बेटा तुम डम्मी मत बन जाना, है ना? हाँ, तो थोड़ा सा बेटा अपनी सेल्फ स्टडी पे भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप क्लासेस लगाने पे दे रहे हैं. नो डाउट स्कूल इज इम्पॉर्टेंट, नो डाउट यहाँ पर भी आपका क्लास लगाना इम्पॉर्टेंट है एवरी डे, बट डू पे अटेंशन टू योर सेल्फ स्टडी एज वेल. ठीक है, आपकी सेल्फ स्टडी भी चलती रहनी चाहिए. आ जाइए, सो फंक्शनल क्लासिफिकेशन की प्रोटीन का काम क्या होता है? क्या लगता है बेटा क्या काम होता है? सबसे पहले तो प्रोटीन बेटा एंजाइम्स की तरह काम करते हैं. सो वन कैटेगरी इज एंजाइमैटिक प्रोटीन, एंजाइमैटिक प्रोटीन्स. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ द एंजाइमैटिक प्रोटीन यानी कि ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है, एंजाइम भी है. देन अनदर वन इज पेप्सिन, इट्स अ प्रोटीन, ऑल्सो एन एंजाइम. तो जो एंजाइम्स हैं वो क्या है? प्रोटीन इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर है. ठीक, तो एक तो बेटा फंक्शन हो गया इनका एंजाइमैटिक. कुछ प्रोटीन बेटा हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि अगर मुझे इस सेल के मेम्ब्रेन से क्रॉस करके ग्लूकोज को अंदर भेजना है, आई विल रिक्वायर अ प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. क्या बोला जाता है इनको? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी GLUT4, GLUT4 दैट इज बेटा जी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. तो कुछ प्रोटीन्स आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं. ट्रांसपोर्ट के अलावा बेटा देर आर सर्टेन प्रोटीन्स विच आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. हाँ जी, ड्रॉपर्स को नाम आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं. एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी योर एक्टिन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. मायोसिन, ये भी क्या है? प्रोटीन्स ही तो है, है ना? दे आर ऑल्सो प्रोटीन्स. देन अनदर वन इज गोइंग टू बी विजुअल प्रोटीन्स, विजुअल प्रोटीन जो देखने में मदद करते हैं. आंखों में पढ़ा था, नर्वस सिस्टम में जब आपको आईज पढ़ाई थी तब हमने पढ़ा था, दैट इज गोइंग टू बी रोडोप्सिन विच इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोटीन, हेल्प्स इन सीइंग थिंग्स, लुकिंग एट समथिंग, है ना? देन देर आर सर्टेन प्रोटीन्स बेटा विच आर टॉक्सिक इन नेचर, जो ड्रग्स हैं टॉक्सिक हैं बेटा, दैट इज गोइंग टू बी द पॉइजनस प्रोटीन लाइक एब्रिन, रीसिन. सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पढ़ा था एब्रिन, रीसिन, ये क्या है आपके? टॉक्सिक प्रोटीन्स है. देन देर आर सर्टेन प्रोटीन्स बेटा जी विच हेल्प्स इन द डिफेंस, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं डिफेंस प्रोटीन्स, है ना? एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी योर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन ही है, एंटीबॉडी विच इज फॉर्म्ड बाई द बी लिम्फोसाइट सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल. सो अलग अलग टाइप के प्रोटीन है डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, है ना? डिपेंडिंग अपॉन देयर बेटा जी फंक्शन. सो देयर आर एंजाइमैटिक प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, विजुअल प्रोटीन्स, टॉक्सिक प्रोटीन्स एंड डिफेंस प्रोटीन. ठीक, हाँ जी, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन, कि क्या प्रोटीन एक अकेला है या फिर उसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट है. देखो अगर तो अकेला अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड है तो प्रोटीन वो अकेला है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल प्रोटीन, है ना? अगर उसके साथ ओलिगोसैकराइड है, अगर उसके साथ बेटा ग्लूकोज है, उसके साथ कोई पिगमेंट है, तो वो अकेला नहीं है, है ना? तो दो तरीके के प्रोटीन है बेटा, डिपेंडिंग कि वो अकेले है या नहीं. वन इज कॉल्ड एज सिंपल प्रोटीन, अदर वन इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन. सिंपल प्रोटीन का क्या मतलब है? ओनली प्रोटीन पार्ट, बस सिर्फ बेटा प्रोटीन पार्ट है, ओनली प्रोटीन पार्ट. ठीक, दैट इज सिंपल प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, इसमें सिर्फ अमीनो एसिड्स ही हैं और कुछ नहीं है,
ठीक, दैट इज सिंपल. इधर आ जाइए, दैट इज कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट के पास बेटा देयर इज गोइंग टू बी अ प्रोटीन पार्ट एंड देयर इज गोइंग टू बी अ नॉन प्रोटीन पार्ट. चलिए एग्जाम्पल बताइए, कॉन्जुगेट प्रोटीन के एग्जाम्पल बताइए. यस, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों पार्ट्स होंगे. हाँ जी, सोच सकते हैं. वैसे जो सा पार्ट ऐड होता है वैसा ही नाम होता है, उसके नाम से आप लोग सोच सकते हैं. यस, एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी, ओह यस, वेरी गुड. एक बच्चे ने ठीक बताया है, वेरी नाइस अंजलि. देयर इज गोइंग टू बी लिपोप्रोटीन. लिपोप्रोटीन में नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है? लिपिड, है ना. नॉन प्रोटीन पार्ट इज लिपिड, प्रोटीन तो दिख ही रहा है. देन देयर इज गोइंग टू बी ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन में द नॉन प्रोटीन पार्ट इज गोइंग टू बी ग्लूकोज और एनी काइंड ऑफ ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है, शुगर. यस, नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी क्रोमोप्रोटीन. क्रोमोप्रोटीन हेयर द नॉन प्रोटीन पार्ट इज गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ पिगमेंट. कोई ना कोई क्या होगी, पिगमेंट होगी. अनदर वन इज गोइंग टू बी न्यूक्लियोप्रोटीन. हेयर द नॉन प्रोटीन पार्ट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तभी नाम आया है न्यूक्लियोप्रोटीन. देन अनदर वन इज गोइंग टू बी फॉस्फोप्रोटीन. फॉस्फोप्रोटीन एंड हेयर द नॉन प्रोटीन पार्ट इज गोइंग टू बी फॉस्फेट ग्रुप. सो ये सारे क्या है आपके? नॉन प्रोटीन पार्ट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जिनकी हेल्प से ये प्रोटीन क्या बन गया है? एक कॉन्जुगेट प्रोटीन बन गया है, सिंपल प्रोटीन नहीं है. ठीक है, दीज आर नॉट सिंपल प्रोटीन्स. ठीक, ओके. हाँ जी, अगली क्लासिफिकेशन. आप बोलोगे हम इतनी सारी क्लासिफिकेशन करा दी प्रोटीन की, तो क्या हो गया बेटा, तुम लोग गुणवान बन रहे हो, है ना, गुणवान बन रहे हो. सो दिस इज वन क्लासिफिकेशन. देन देयर कुड बी अनदर क्लासिफिकेशन ऑल्सो. प्रोटीन कुड बी एसिडिक और प्रोटीन कुड बी बेसिक. कैसे बनाओगे एसिडिक और बेसिक प्रोटीन? एसिडिक प्रोटीन वो है जिसके पास ज्यादा एसिडिक अमाइनो एसिड है. बेसिक प्रोटीन वो है बेटा जिसके पास ज्यादा BAHL वाले बेसिक अमाइनो एसिड है. सो इट हैज गॉट मेजोरिटी. किसकी मेजोरिटी है इसके पास? एसिडिक अमाइनो एसिड की. इसके पास किसकी मेजोरिटी है? बेसिक अमाइनो एसिड की. मेजोरिटी इज ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड. ठीक है, एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी, एसिडिक प्रोटीन का एग्जाम्पल है आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स, लाइक योर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन. ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स दे आर एसिडिक प्रोटीन्स एंड हेयर द बेसिक इज हिस्टोन्स. हिस्टोन्स जो आपके प्रोटीन है, जो आप डीएनए की पैकेजिंग में देखते हो, दे आर एक्चुअली बेसिक प्रोटीन्स. ठीक है, बेसिक प्रोटीन्स. हाँ, ओके, विद दिस वी आर डन विद प्रोटीन. छुट्टी हो गई? नहीं बेटा, छुट्टी नहीं हुई है. आज हमने प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड का भी कुछ पोर्शन डिस्कस डेफिनेटली करना है. ठीक है, हाँ जी, क्या सबको प्रोटीन क्लियर हुए? प्रोटीन में आज हमने क्या क्या पहले बात की? वी टॉक्ड अबाउट हाउ प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड. दे आर द हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड. दे आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वाटर, CONH बॉन्ड. देन वी टॉक्ड अबाउट ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड एंड देन हमने स्ट्रक्चर किए. हमने स्ट्रक्चर में प्राइमरी लेवल किया, सेकेंडरी लेवल किया, टर्शरी लेवल किया, देन हमने क्वार्टरनरी लेवल तक किया. फिर हमने प्रोटीन्स के फंक्शन के बारे में बात करी, है ना, प्रोटीन्स के फंक्शन के बारे में बात करी, दैट देयर आर सर्टेन एंजाइमैटिक प्रोटीन्स एंड देयर आर सर्टेन नॉन एंजाइमैटिक प्रोटीन्स एज वेल. ठीक, हाँ जी, क्रिस्टल क्लियर है तो बेटा सेशन को लाइक कर दो. फिर इतना समय लगा दिया तुमने, है ना, कम ऑन गाइस, क्योंकि इसके बाद हम बेसिक्स करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, विच इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट बायो मॉलिक्यूल. हाँ, ये केमिस्ट्री क्लास लग रही है, मुझे भी लगती है वैसे, है ना, केमिस्ट्री क्लास है. When will this chapter end? It will end this week only. बड़ा चैप्टर है यार, one of the biggest chapter and one of the most dreadful chapter. ठीक है ना, चलिए आगे आ जाते हैं. Next one is going to be nucleic acid. Start कर दे. Interesting है guys, interesting है. जब nucleic acid की बात आती है तब मज़े आ जाते हैं, क्योंकि हम बात कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं genetics की भी. Nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा जी?
न्यूक्लिक एसिड, दीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल, लार्जेस्ट बायो मॉलिक्यूल, लार्जेस्ट बायो मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड बेटा दो तरीके के हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. वन इज डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, अदर वन इज गोइंग टू बी राइबो न्यूक्लिक एसिड. है ना डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब बेटा कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे पूछूं मुझे एग्जाम फुल फॉर्म बता दो डीएनए की आरएनए की और तो फुल फॉर्म ही नहीं आती. ना ऐसा नहीं करना, ये तो ब्लंडर हो जाएगा. दिस इज डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड. नाउ वॉट इज गोइंग टू बी द मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. दैट इज गोइंग टू बी, हाँ जी, दैट इज गोइंग टू बी न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लिक एसिड किस तरीके से बनता है? जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, है ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं. अब एक न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोसाइड से और फॉस्फेट ग्रुप से. न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, दे फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड. अब ये एक न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? दिस न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड बाय अ 5-carbon sugar molecule along with a nitrogenous base, ठीक है. तो इसका जो मोनोमर है ना वो ग्लूकोज की तरह सिंपल नहीं है, अमाइनो एसिड की तरह सिंपल नहीं है. इसका जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड है. न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए तीन चीज़ें मुझे चाहिए, एक शुगर चाहिए, एक नाइट्रोजनस बेस चाहिए और एक साथ में फॉस्फेट चाहिए. जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस इकट्ठे बॉन्ड बनाकर बैठे हैं तब वो कहलाएंगे न्यूक्लियोसाइड. जब न्यूक्लियोसाइड एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाकर बैठा है तब वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड. है ना बेटा, पता चला? अब बात कर लें इंडिविजुअली. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ शुगर मॉलिक्यूल, वी विल टॉक अबाउट अ नाइट्रोजनस बेस एंड ऑल्सो अबाउट द फॉस्फेट ग्रुप. पहले बेटा आपकी थोड़ी शुगर की टेस्टिंग हो जाए. हाँ मैम, अब ब्लड लेंगी तुम्हारा और बताएंगी तुम्हारा शुगर लेवल कितना है, ठीक है. शुगर जो न्यूक्लिक एसिड में यूज होती है दैट इज अ पेंटोज शुगर. कैसी शुगर है? पेंटोज शुगर. पेंटोज मीन्स हाउ मेनी कार्बन शुगर? 5-carbon शुगर. कैसा है? 5-carbon. अब तुम्हें मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला पता है, क्या था जनरल फॉर्मूला बताइए बेटा मोनोसेकेराइड का, याद होना चाहिए, सिखाया हुआ है. जनरल फॉर्मूला ऑफ अ मोनोसेकेराइड. हाँ जी कम ऑन बताइए. जनरल फॉर्मूला पूछा बेटा, मोनोसेकेराइड का जनरल फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं पूछा. नॉट एवरी मोनोसेकेराइड इज ग्लूकोज गाइज, ठीक है. हाँ जी बिल्कुल सही है, श्रेयसी ने ठीक आंसर दिया है, दैट इज CnH2nOn. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ मोनोसेकेराइड. कैसा भी मोनोसेकेराइड हो, पेंटोज हो, हेक्सोज हो, ट्रायोज हो, टेट्रोज हो, एनी. अब इसमें एन इक्वल टू क्या है अपना? हियर एन इज इक्वल टू 5. तो अपने पास सबसे पहली शुगर आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज रिबोज शुगर विच इज अ पेंटोज, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O5. यही बना ना रिबोज का, C5H10O5. ड्रॉ कर लेते हैं बेटा रिबोज. आपको बताया था इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्यूरानोज रिंग, तो सब बच्चे फ्यूरानोज रिंग बनाएंगे, है ना. पहले हमने चेन स्ट्रक्चर बनाया था, फिर हेमी एसिटल बनाया था. हेमी एसिटल से क्या बनता है? फ्यूरानोज रिंग बनता है. और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ बीटा रिबोज. कौन सा रिबोज बनाएंगे? बीटा रिबोज. बीटा रिबोज में OH रिंग के ऊपर आता है, तो OH, H, देन बेटा H, OH, H, OH, ठीक है, HOH एंड 5th carbon बाहर CH2OH एंड H. तो नंबरिंग दे देते हैं. नंबरिंग बेटा 1-2-3-4-5-. डैश 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 क्यों दिया है?
क्योंकि बेटा नंबर हमने नाइट्रोजनस बेस में भी देना है, वहां भी कार्बन है, ठीक है, तो उसमें 1, 2, 3 दे देंगे, इसमें डैश दे दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। किसकी शादी नहीं हो सकती है मिस्टर अंसारी, किसकी शादी करा रहे हो यार, यहाँ क्लास में बैठ के चैट सेक्शन में शादियां चल रही हैं? मैं तो सरदर्द हो जाएगा बेटा अगर हमारे बायो मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ किसी की शादी हो जाए। है ना, चलो बीटा रिबोज बना लिया सबने। बीटा रिबोज इज द 5-carbon sugar मॉलिक्यूल जो हमें न्यूक्लिक एसिड का एक न्यूक्लियोटाइड का एक पार्ट है। अब एक शुगर है बेटा रिबोज, अब इसी का एक डिराइव्ड फॉर्म होता है डिऑक्सी रिबोज, है ना। कौन सी शुगर है? डिऑक्सी रिबोज। इसमें सिर्फ एक कार्बन पे चेंज आएगा, दैट इज सेकेंड कार्बन पे चेंज आएगा। सो लेट अस ड्रॉ डिऑक्सी रिबोज। डिऑक्सी रिबोज में बस सेकेंड कार्बन से तुमने ओ हटा देना, बाकी बिल्कुल रिबोज की तरह ही है। बिल्कुल बेटा जी रिबोज की तरह ही है। तो चलो रिबोज बना लो, सेकेंड कार्बन पे चेंज आएगा, ठीक। हाँ जी, तो बीटा रिबोज ही बनाएंगे, ऊपर फर्स्ट कार्बन पे OH एंड H, सेकेंड कार्बन पे बेटा जी यहाँ ध्यान देना, सेकेंड कार्बन का बेटा O हटा दोगे ना, दिस इज गोइंग टू बिकम डिऑक्सी रिबोज। बाकी सब बिल्कुल सेम है, ठीक है। दैट मीन्स ऊपर भी H है, नीचे भी H है, ये बाकी सेम H OH एंड CH2 OH एंड H, दिस इज हाउ डिऑक्सी रिबोज लुक्स लाइक, ठीक है। सो दो शुगर्स आपको याद रखनी है, एक तो है रिबोज। रिबोज पाई जाती है बेटा आपके RNA में, दिस इज RNA शुगर। रिबोज मिलती है आपके ATP में, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। रिबोज इज अ शुगर विच इज प्रेजेंट इन FAD। रिबोज इज बेटा जी द शुगर विच इज प्रेजेंट इन NAD पॉजिटिव, ठीक है, NAD पॉजिटिव। इट इज प्रेजेंट इन NADP, इट इज प्रेजेंट इन FMN, ठीक। तो ये सारी चीजों में कौन सी शुगर मिलती है आपको? रिबोज, ठीक है। क्या मिलती है बेटा जी? रिबोज। तो डिऑक्सी रिबोज कहाँ मिलेगी? ओनली एट वन प्लेस, इट्स एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी ओनली DNA, सिर्फ DNA में मिलती है बेटा डिऑक्सी रिबोज, और कहीं नहीं मिलती। बाकी हर जगह हर न्यूक्लिक एसिड में आपको कौन सी मिलती है? रिबोज मिलती है, ठीक है। कौन सी मिलती है? रिबोज मिलती है, ओके। तो फर्स्ट पोर्शन आई बिलीव इज क्लियर। न्यूक्लियोटाइड का पहला हिस्सा शुगर था, शुगर का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, रिबोज का भी, डिऑक्सी रिबोज का भी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजीनस बेस, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजनस बेस। स्टार्ट करें बेटा जी, नाइट्रोजनस बेस। हाँ जी, ये जो नाइट्रोजनस बेस है बेटा, नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दो तरीके का होता है। वन इज कॉल्ड एज प्यूरिन्स, वन बेटा जी इज कॉल्ड एज प्यूरिन, अदर वन इज कॉल्ड एज पिरिमिडिन। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन्स में कौन कौन से बेसेस आते हैं? दैट इज गोइंग टू बी, वन इज एडेनिन, एडेनिन, एंड द अदर वन इज गुआनिन, ठीक है। एडेनिन इज डिनोटेड बाय कैपिटल A, गुआनिन इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। पिरिमिडिन में कौन कौन से बेसेस आते हैं? सबसे पहला बेस आता है बेटा जी थायमिन, ठीक है, थायमिन। देन आपके सामने आता है साइटोसिन, साइटोसिन, साथ साथ बताते जाओ यार, साइटोसिन। देन आपके पास आता है यूरासिल, डिनोटेड बाय TCU रिस्पेक्टिवली, TCU, CTU बोल लो, TCU बोल लो, UCT बोल लो, कट बोल लो, CUT बोल लो, है ना, कुछ भी बोल लो इसको। ये AG है, AG कट, वो होता नहीं रोल्स लाइट्स कैमरा एक्शन, एक्शन के बाद बेटा क्या होता है? कट होता है, यहाँ पे भी कट हो रहा है, ठीक है, ओके। सो अच्छा, प्यूरिन और पिरिमिडिन ये बिल्कुल पता है किसकी तरह है? जिनके नाम बड़े होते दर्शन छोटे हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है। ये पिरिमिडिन भैया का नाम इतना बड़ा है, दर्शन बेचारे के छोटे हैं,
क्योंकि पिरिमिडिन एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होंगी, सिंगल क्लोज रिंग प्रेजेंट होगी, सिंगल रिंग, नाम बड़े दर्शन छोटे, इसके अंदर बेटा कितनी रिंग होंगी, इट इज गोइंग टू हैव टू रिंग्स, इसका नाम तो छोटा है बट दर्शन क्या है भैया के, बड़े हैं। तो ड्रॉ कर लेते हैं बेटा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, दो रिंग्स हैं इसके पास, तो एक अपनी बेंजीन की तरह, ठीक है, यस, हाँ जी दिख गया है। अब यार ये नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजन तो होगा ही ना, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजन तो बेटा जी प्रेजेंट हो गई, नाइट्रोजन तो लगाना ही लगाना है, कहाँ लगा दे, एक इधर लगा देते हैं, ठीक है, एन 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 एंड एन, दो क्लोज रिंग हो गई हैविंग नाइट्रोजन, दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्यूरिन, किसका स्ट्रक्चर है बेटा जी, प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, है, यस डॉक्टर सुहासिनी, इज दिस क्लियर, क्लियर बेटा जी, बाकी इनको नंबर हम 1, 2, 3 आराम से दे सकते हैं, सो नंबर इज गोइंग टू बी कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6, दिस इज गोइंग टू बी कार्बन नंबर 6 एंड देन 7, 8, 9, ठीक, 9 कार्बन, 9 पोजीशंस है जिनमें आपके पास कुछ कुछ जगह पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तभी ये नाइट्रोजनस बेस कहलाएगा। देन नाम बड़े दर्शन छोटे, छोटे वाले के पास सिर्फ एक रिंग है और यहाँ नीचे आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा एंड दिस इज हाउ इट इज प्रेजेंट, ठीक, यस, इस तरीके से बेटा जी यहाँ पर प्रेजेंट है, जोड़ दो इसको, ठीक, हाँ जी, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, यस गाइस, यस, हाँ जी बिल्कुल सही है, 1379 लर्न कर सकते हो, 1379 पे आपके पास क्या है, नाइट्रोजन और यहाँ पर 1 पे ही है, दिस इज कार्बन, दिस इज पोजिशन नंबर 1 ओनली एंड देन 2, 3, 4, 5, 6, ये तो 6 ही है, ठीक, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1, 3, 7, 9, 1 पे नाइट्रोजन है, 3 पे है, 7 पे है और 9 पे है। अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये जो शुगर है, शुगर ने किसके साथ बॉन्ड बनाना है, नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाना है, शुगर आपके पास कौन सी है, रिबोस शुगर है, रिबोस शुगर का कोई कार्बन नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा, मान लीजिए नाइट्रोजनस बेस आपका कौन सा है, एडेनिन है, एडेनिन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो बेटा पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लो, बेसिक स्ट्रक्चर बना लो, साथ में 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा देना, दैट इज गोइंग टू बी द एडेनिन, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द एडेनिन, ठीक, हाँ जी, यहां पे आपके पास नाइट्रोजन है, यहां पे है, यहां पे है एंड यहां पे है, देखिए रिबोस के कार्बन नंबर 1 ने बॉन्ड बनाना है एडेनिन के, यहां पर बेटा लगा दीजिए NH2 ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, एडेनिन बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी एडेनिन बिकॉज दिस इज द 6th कार्बन, 6th कार्बन पे अगर अमाइनो ग्रुप लग जाए बेसिक स्ट्रक्चर में तो क्या बन जाता है, वो एडेनिन बन जाता है, तो रिबोस का कार्बन नंबर 1 या फिर 1' is going to form the bond with the carbon number, with the 9th number in case of adenine. Iske saath beta ji bond banta hai. Kiske saath banta hai? Iske saath. Which is at the 9th position. Yaad rakhna hai, ribose ka C1, which is the beta group, hai na? Ribose ka jo C1 tha, wo beta carbon tha. Kyunki upar beta kya present hai? OH प्रेजेंट है, इसने बॉन्ड बनाना है बेटा इसके 9th से, है ना, 9th वाले से, और 9th पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 9th पे बेटा जी क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन बना हुआ है, तो द बॉन्ड इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि बेटा बॉन्ड है सी और सी के बीच में, एक बीटा पोजिशन फॉर रिबोस क्योंकि कार्बन नंबर 1 है एंड दिस एन इज फॉर द बेस, क्योंकि जो बॉन्ड बन रहा है वो 9th पोजीशन के साथ बन रहा है और 9th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, क्या ये बात समझ आई,
हाँ जी बताइए, क्या ये बात समझ आई दैट द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड बेस इज गोइंग टू बी अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. यस यस, बीटा इसीलिए बोला क्योंकि रिबोस का सी वन बॉन्ड बनाता है, सी वन इज द बीटा कार्बन. एन इसीलिए बोला क्योंकि बेटा यहाँ कार्बन की जगह नाइन्थ पोजिशन पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो बॉन्ड बना रहा है. मिस्टर प्रियांशु कुमार, प्लस की क्लास रोज होती है, आज भी हुई थी, क्या हुआ अटेंड नहीं की तुमने? हैं माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस क्लास इज हैपनिंग एवरी डे. टुडे आल्सो वी हैड अ क्लास, टुमारो आल्सो वी हैव अ क्लास. ठीक है, तो थोड़ा सा मैम को अच्छे से फॉलो किया करो. तुम लोग अच्छे से फॉलो नहीं करते हो. जो नए बच्चे हैं बेटे, प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके फॉलो कीजिए, है ना? बताइए. यस, ठीक है, स्टार्ट हो गया. चलिए, तो रिबोस और न्यूक्लियो और आपका नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज गोइंग टू बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दैट इज बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और यहां पर ये लोग क्या बना रहे हैं? आपका न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं. अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये किसके साथ जुड़ जाएगा बेटा? फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा. किसके साथ जुड़ेगा? फॉस्फेट ग्रुप. तो पहले देख लेते हैं किसके पास कौन सा बेस होता है. एक है आरएनए और दूसरा है बेटा आपका डीएनए. डीएनए के पास कौन कौन से बेसिस होंगे बेटा? डीएनए के पास एडेनिन होगा, डीएनए के पास थायमिन होगा, डीएनए के पास साइटोसिन होगा और डीएनए के पास क्या प्रेजेंट होगा? गुआनिन प्रेजेंट होगा. तो आरएनए के पास क्या प्रेजेंट होगा, है ना? आरएनए के पास क्या प्रेजेंट होगा? आरएनए के पास एडेनिन होगा, टी की जगह यूरेसिल होगा, सी भी होगा और जी भी होगा. ठीक है बेटा जी. सो दीज आर द बेसिस विच आर प्रेजेंट इन आरएनए एंड डीएनए. विच बेस इज एबसेंट इन आरएनए? यस गाइस, विच बेस इज एबसेंट इन आरएनए? कम ऑन, आंसर करिए, आंसर करिए बेटा. विच बेस इज गोइंग टू बी एबसेंट इन आरएनए? कम ऑन, कम ऑन, फटाफट से आंसर दो यार. विच बेस इज गोइंग टू बी एबसेंट इन आरएनए? Yes, very nice. The base which is absent in RNA is going to be thymine. The base which is absent in DNA is going to be uracil. अब बेटा thymine पे confuse मत हो जाना. ये जो thymine है ये कैसा है? THY वाला thymine है. एक होता है THIA वाला thymine. That is a type of बेटा vitamin B. ठीक है, तो वो THY वाला thymine हम यहाँ पढ़ रहे हैं. THI वाला कहाँ पढ़ते हैं? हम डाइजेशन में पढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला चैप्टर होने वाला है. ठीक, सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ, फाइव टाइप्स ऑफ रादर बेसिस प्रेजेंट इन योर डीएनए एंड आरएनए रिस्पेक्टिवली. तो बेसिकली बेटा देख लेते हैं कि अगर आपकी रिबोज के साथ एडेनिन प्रेजेंट हो तो क्या बन जाएगा? वो एडिनोसिन बन जाएगा. ठीक है, अगर आपकी रिबोज के साथ साइटोसिन प्रेजेंट हो तो क्या बन जाएगा? साइटिडिन बन जाएगा. दैट मीन्स जब आपका शुगर है ना, जब आपका बेटा शुगर किसके साथ जुड़ता है? नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड बन जाता है. अब जब ये न्यूक्लियोसाइड के साथ बेटा फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, क्या ऐड होगा? फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा? एडिनाइलिक एसिड बन जाएगा. क्या बन जाएगा? एडिनाइलिक एसिड बन जाएगा. या फिर आप इसको क्या बोल पाओगे? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोल सकते हैं. ए एम पी दैट इज गोइंग टू बी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप लगा है. अभी क्या लगा है बेटा जी? एक फॉस्फेट ग्रुप लगा है. सेम भी बेटा इसके साथ भी अगर आप फॉस्फेट ग्रुप लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, देन गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, देन बेटा थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट. तो इस तरीके से आपके क्या बन जाएंगे? दीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड जब आपके न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या जुड़ता है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है. तो बेसिक इक्वेशन आपको समझ आनी चाहिए. शुगर प्लस बेस इज गोइंग टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज गोइंग टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड लुक्स लाइक दिस. एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, ये सब क्या है आपके? न्यूक्लियोटाइड है. ठीक है, ये सब क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड है. अब जब तक तो बेटा शुगर क्या है? रिबोज है, तब तक न्यूक्लियोटाइड बनेगा एएमपी.
अगर बेटा शुगर हो गई डिऑक्सीरिबोज, क्या हो गई डिऑक्सीरिबोज, तब यहां पर क्या बनेगा डिऑक्सी एएमपी, ठीक है। जब ये छोटा डी साथ में लगाओ ना, दैट मीन्स शुगर इज डिऑक्सीरिबोज। अगर बेटा शुगर डिऑक्सीरिबोज है तो क्या बनेगा डी सी एम पी, डी टी एम पी, ठीक है, डी जी एम पी। अगर डी नहीं लगा तो समझ जाना रिबोज शुगर है, अगर डी लग गया है दैट मीन्स आपके पास क्या है डिऑक्सी रिबोज है। यस गाइस, तो क्या है आपके पास डिऑक्सी रिबोज है। क्या ये बात 100% क्लियर हुई या फिर नहीं हुई, ये कोई बताने नहीं आएगा आपको कि बेटा शुगर कौन सी है, शुगर खुद से पता लगानी है कि अगर कुछ नहीं लिखा तो रिबोज, अगर कुछ लिख दिया डी लगा दिया तो क्या हो जाएगा डिऑक्सी रिबोज हो जाएगी, है ना डिऑक्सी रिबोज। अब बेटा जरा यहां पर ध्यान दो, एएमपी, एएमपी इज अ स्ट्रक्चर जिसमें कितने फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, एक फॉस्फेट, तो ये है बेटा न्यूक्लियोटाइड। एक से ज्यादा फॉस्फेट भी तो हो सकता है, दो हो गया तो क्या हो जाएगा एडीपी डाइफॉस्फेट, तीन हो गया तो क्या हो जाएगा एटीपी ट्राइफॉस्फेट, है ना। अगर एक से ज्यादा, ओहो बेटा हमारे पास इन्होंने स्लाइड खत्म कर दी, ये भी कहना चाह रहा है कि मैम बस करो, है ना बस करो, रुकिए बस तो नहीं करेंगे, जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी एड, नीचे नहीं जा रहा बेटा, कहने पे भी नहीं जा रहा, आ जा गया गया, यस 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 यस, हाँ जी इस पे लिख लेते हैं। तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ जी व्हाट आई वाज सेइंग दैट इफ वी हैव सिंगल फॉस्फेट ग्रुप देन इट इज मोनोफॉस्फेट, व्हाट इफ वी हैव टू फॉस्फेट ग्रुप, थ्री फॉस्फेट ग्रुप हुए तो क्या होगा बेटा, है ना, सो इट इज गोइंग टू बिकम हायर न्यूक्लियोटाइड, क्या बन जाएगा बेटा वो हायर न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। हायर न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है मोर देन वन फॉस्फेट, ठीक है, मोर देन वन फॉस्फेट ग्रुप अगर आ जाए, जैसे कि एडीपी, एडीपी क्या है एडीनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीनोसिन डाई फॉस्फेट। अनदर एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी एटीपी, बेटा एटीपी भी न्यूक्लियोटाइड है, आप बनाते रहते हो ना माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बन रहे हैं, एनर्जी बन रही है, 30.5 किलो जूल पर मूल निकल रहा है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड इट इज अ हायर न्यूक्लियोटाइड, दैट इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। कैसे बना होगा इस एडिनोसिन के साथ, एडिनोसिन के साथ बेटा क्या लगा होगा हमारा, तीन फॉस्फेट ग्रुप लगे होंगे। अब एडिनोसिन कैसे बनता है, एडिनोसिन कैसे बनता है बेटा, ऐसे पहले रिबोज शुगर ली, दिस इज योर रिबोज शुगर, ठीक है, सी वन के साथ क्या लगा दिया आपने एडेनिन लगा दिया, ठीक है, दिस इज कार्बन नंबर वन, एंड कार्बन नंबर फाइव के साथ, कार्बन नंबर फाइव के साथ बेटा क्या जोड़ दोगे, तीन फॉस्फेट ग्रुप, थ्री फॉस्फेट, ठीक है, तीन फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं, पहला फॉस्फेट अल्फा फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट बीटा फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट गामा फॉस्फेट। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, दिस होल स्ट्रक्चर बेटा जी इज कॉल्ड एज ए टी पी, क्या नाम है बेटा इसका, ए टी पी, दैट इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, क्या एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट बनाना आ गया, ये पूरा एडिनोसिन है, इधर न्यूक्लियोसाइड है, इसके साथ बेटा जी आपने क्या लगा देने हैं, थ्री फॉस्फेट ग्रुप लगा देने, ठीक है, थ्री फॉस्फेट ग्रुप लगा देने। एक बेटा मैं बात बता दूं, आपका ना कल तीन टेस्ट है, ये जो बच्चे खुश हो रहे हैं ना, बहुत बहुत खुश हो रहे हैं, ठीक है, देर आर गोइंग टू बी थ्री टेस्ट टुमारो, कल एक टेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, एक टेस्ट होने वाला है बॉडी फ्लूइड्स का, और एक टेस्ट होने वाला है एनिमल टिश्यूज। मैंने आपको पहले भी बोला था कि एनिमल टिश्यूज का मैं टेस्ट डेफिनेटली लूंगी, एंड दैट टेस्ट बेटा जी इज गोइंग टू हैपन टुमारो, एंड टुमारो वाला जो टेस्ट है दैट टेस्ट बेटा जी विल हैपन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अन अकेडमी स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास कैसे अटेंड करते हैं बेटा जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है मेरी प्रोफाइल का, प्रोफाइल में जाओ फॉलो कर लो, बस काम डन, क्योंकि उसके बाद आपको मेरी स्पेशल क्लास की नोटिफिकेशन आएगी। तो कल के लिए बेटा रेडी रहिएगा, ठीक है, रेडी रहिएगा, आ जाइए। सो दिस इज गोइंग टू बी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट विद थ्री फॉस्फेट ग्रुप अल्फा बीटा गामा। अब अगर बेटा अगर एक एक
फॉस्फेट निकालते जाओगे ना, क्या बनती है? एनर्जी बनती है. तो जब भी एटीपी से एनर्जी चाहिए होती है, हम क्या करते हैं? फॉस्फेट हटा देते हैं. सबसे पहले कौन सा फॉस्फेट हटाएंगे? गामा फॉस्फेट हटाएंगे. ये हाई एनर्जी बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो जैसे ही बॉन्ड टूटता है इट रिलीजेज एनर्जी. फिर बीटा फॉस्फेट हटाओगे, ये भी हाई एनर्जी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे ही टूटेगा इट विल रिलीज एनर्जी. एटीपी टूटेगा तो क्या बनेगा? एडीपी, है ना. एटीपी में से अगर आपने फॉस्फेट ग्रुप निकाल दिया तो बेटा क्या बन जाएगा? एडीपी, ठीक है, माइनस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, बिकॉज दीज आर जॉइंड बाय हाई एनर्जी बॉन्ड. तो ये भी आपके बेटा जी क्या हुए? क्या हुए बेटा जी? न्यूक्लियोटाइड हुए. तो समझ आ गया सबको? आई होप इट इज क्लियर. फटाफट से बेटा जी रिव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हमने न्यूक्लिक एसिड में क्या पढ़ा है. न्यूक्लिक एसिड में बेटा जी क्या पढ़ा है? दैट दीज आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द मोनोमेरिक यूनिट, एंड द मोनोमेरिक यूनिट इज गोइंग टू बी न्यूक्लियोटाइड. फटाफट से बेटा जी रिवाइज कर लीजिए. ये न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? तीन चीज़ों से बनता है. पहला है 5-carbon sugar, दूसरा है बेटा जी नाइट्रोजनस बेस, एंड तीसरा क्या हो जाएगा आपका? फॉस्फेट ग्रुप. शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं. न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है दैट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड. अब न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर है वो दो तरीके की हो सकती है. पहली शुगर हमने बात की रिबोज, जो कि ज़्यादा जगह होती है. दूसरी हमने बात की डीऑक्सी रिबोज की. अब यही रिबोज शुगर है जो हमें कहाँ पर मिलती है? आरएनए में. यही रिबोज है बेटा जी जो हमें कहाँ पर मिलती है? एटीपी में, एडीपी में, एएमपी में, एफएमएन में, एफएडी में, एनएडी में, सब में यही. और यही बेटा डीऑक्सी रिबोज है जो आपको कहाँ पर मिलती है? डीएनए में. ठीक है, रिवाइज हो गया. नाइट्रोजनस बेस की बेटा जी बात करें तो आपके पास चार तरीके के बेसिस हैं, ठीक है, ए टी सी जी यू. ठीक है, ए और टी, है ना, ए और बेटा जी जो जी हैं दे आर गोइंग टू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्यूरेंस, है ना. ए और जी किस कैटेगरी में आएंगे बेटा जी? प्यूरेंस की कैटेगरी में आएंगे. और बचे हुए कौन से होंगे? पिरिमिडिन्स. सो दीज आर प्यूरेंस वाइल दीज आर पिरिमिडिन्स. पिरिमिडिन का नाम लंबा है, इसके पास दर्शन इसके छोटे होंगे. दैट मीन्स इट इज गोइंग टू हैव सिंगल चेन. इसका नाम छोटा है, इसके दर्शन बड़े होंगे. इट इज गोइंग टू हैव टू चेन्स. ठीक है, हाँ जी. चलिए, टेस्ट के टाइमिंग्स बेटा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी. अभी इस क्लास के बाद ही मैं सारी क्लासेस लॉन्च कर दूंगी. तीन क्लासेस होंगी कल टेस्ट वाली, एंड कल ही हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. आज मैंने आपको बेसिक बता दिया है न्यूक्लियोटाइड. अब बेटा जी हम बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर की. ठीक है, एटीपी तक हो गया. डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो. तो कल आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होगा, साथ ही में किसकी बात होगी? लिपिड्स की बात होगी. डीएनए का स्ट्रक्चर एज वेल एज लिपिड्स. क्या आपको बेसिक्स न्यूक्लिक एसिड का क्लियर हुआ? हाँ जी, यस यस यस, बताइए क्या आपको बेसिक्स क्लियर हुआ? ओ हाँ, बिल्कुल सही है यार, टीएमपी नहीं होगा. बिल्कुल सही 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 बेटा. हाँ हाँ हाँ, वेयर इज इरेजर? यस गाइज, इसको हटा लेना, ब्लैक से कर देते हैं. बिल्कुल सही, माय बैड. टी होता ही नहीं है आरएनए में. यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही. हाँ जी, क्या आपको बेसिक्स क्लियर हुए बेटा न्यूक्लिक एसिड के एज वेल एज प्रोटीन्स के? यस, प्रोटीन्स के. ठीक है, हाँ जी. चलिए, सो विद दिस वी आर डन विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. डीएनए का स्ट्रक्चर कल, लेकिन बेसिक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया है कि कौन कौन से तीन यूनिट्स हैं. साथ ही में बेटा वी ऑल्सो टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. कौन कौन से एग्जाम्पल है, किस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है. ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है. अब हम कल की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर एंड आरएनए के टाइप्स. ज़्यादा आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर आप मॉलिकुलर बेसिस में करते हैं, जो कि 12th क्लास में जेनेटिक्स का पोर्शन है. यहाँ पर जितना रिक्वायर्ड है उतना बेसिक्स मैं आपको सिखा दूंगी. ठीक है, उतना बेसिक्स बेटा जी हम कर लेंगे. और कल होने वाली हैं आपकी 3 स्पेशल क्लासेस. स्पेशल क्लासेस बेटा दे विल हैपन ऑन माई प्रोफाइल, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बेटा इस तरीके की प्रोफाइल है, एट द रेट
unacademy.com@seep.pahuja आप डालेंगे, आपको मिल जाएगी। ज़्यादा ईजी वे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक दिया हुआ है मेरी प्रोफाइल का, वहाँ पर जाके बेटा जी क्या कर लो, मुझे फॉलो कर लो। फॉलो इसीलिए बोल रहे हो ताकि आपको मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली आते रहे। कल आपकी 3 क्लासेस होने वाली हैं। पहली क्लास होगी एनिमल टिश्यूज़ की, तो उसके लिए रेडी रहना, एनिमल टिश्यूज़। देन 1 क्लास विल बी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स। एंड तीसरा टेस्ट होगा आपका बायोटेक का फर्स्ट चैप्टर, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। 3 क्लासेस विल हैपन टुमारो। आई विल अपडेट द टाइमिंग्स इन माय यू नो ऑन टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पे आई विल अपडेट, ठीक। साथ ही बेटा आप जुड़ सकते हो मेधावी बैच विच इज़ रनिंग ऑन प्लस एज वेल। तो मेधावी बैच में बेटा प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड सीप लाइव, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, DPPs, मेंटोरशिप, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मेंटोरशिप, 1-to-1 मेंटोरशिप के लिए बेटा आपके पास है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दे गेट 1-to-1 पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट। यहाँ पर भी मेरे सेशंस बेटा होते हैं, कोड आपके लिए सेम रहेगा फॉर 10% ऑफ, दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइव। बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, जैसे मेधावी बैच है, वॉरियर्स बैच है। अब बेटा एक बड़ी अमेजिंग चीज़ आई है, जितना जल्दी नीट की प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस हैं टॉप 100 में, टॉप 50 में आने की। आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना, जो टॉप 10 बच्चे हैं ना वो 11th में शुरू नहीं करते, वो शुरू करते हैं 8th से, वो शुरू करते हैं बेटा 9th से। अगर आपके कोई भी सिबलिंग्स हैं, अगर आपके कोई भी जानने वाले हैं जो इस समय 9th या 10th में हैं, देन बेटा वी हैव अ कॉम्बो ऑफर नीट UG विद CBSE, ठीक है। क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट दे कैन बाय अ 2-year कॉम्बो ऑफर एंड गेट 4 years, ठीक है, 4 years बेटा उनको सपोर्ट मिलेगा। इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती। अगर आप 8th क्लास में ही, 9th क्लास में ही मन बना लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, देन दिस इज द सब्सक्रिप्शन फॉर यू, जिसका एक्चुअल प्राइस कितना होता है अगर आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं 81,000, और ऑफर के साथ बेटा कितना रहेगा 64। लेकिन 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 ये ऑफर सिर्फ किसके लिए है, फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। जो पहले 500 बच्चे नीट UG और CBSE का कॉम्बिनेशन लेंगे उन्हीं को बेटा ये ऑफर प्राइस मिलेगा। तो याद रखना बेटा, द अर्ली यू विल डिसाइड द बेटर मॉनिटरी बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। साथ ही बेटा फाउंडेशन प्लस नीट UG, ठीक है, फाउंडेशन प्लस नीट UG जिसमें क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए है, नीट का उनको सब्सक्रिप्शन मिलेगा बेटा 4 years का, एंड दे विल बाय 2 years एंड दे आर गोइंग टू गेट एक्सटेंशन फॉर 2 years। तो टोटल उनके पास कितने हो गए, 4 years, ठीक है। ये भी पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए है, वैसे एक्चुअल प्राइस होता है 75,500, लेकिन ऑफर के बाद बेटा 57,576, यस। और अगर आप ड्रॉपर हैं, अगर आप 9th-10th में नहीं हैं, आप 11th में आ चुके हैं, 12th में आ चुके हैं, तब आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, देन देयर इज अ चांस फॉर यू by which you can get subscription on 100% scholarship or 75% scholarship or 50% scholarship. कैसे बेटा? By appearing in combat. So rank 1-3 को बेटा जो combat में आएंगे, first rank आएगा, second आएगा, उनको क्या मिलने वाला है, 100% off on the NEET UG subscription. Then 4-10 को 75%, 11-40 50 and 41-650 को 25%। तो कॉम्बैट बेटा एक ऐसा टेस्ट है जो कि हर संडे होता है 11 बजे। आप अपने फ़ोन में बैठ के इस टेस्ट को दे सकते हैं। अगला टेस्ट होने वाला है 17th of October को मॉर्निंग 11 AM। 60 मिनट्स में आपके पास 28 क्वेश्चंस आएंगे, 7 botany, 7 zoology, 7 physics एज वेल एज 7 chemistry, एंड 11, 12, 13th यानी कि ड्रॉपर के लिए अलग अलग पेपर होगा। तो इस टेस्ट का लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेस्ट के लिए फ्री एनरोलमेंट के लिए बेटा यू कैन यूज दिस कोड, दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइफ, ठीक है। आप ये कोड लगा सकते हैं जिससे आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये आपका सिलेबस है बेटा इस बारी के कॉम्बैट का, जो 17th October को होना है ना, दिस इज गोइंग टू बी द सिलेबस फॉर यू, ठीक। फिजिक्स में क्लास 11, 12, 13th को लिए क्या आना है, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। और यही चांस है आपका मेधावी प्लस में जुड़ने का फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑन हाई स्कॉलरशिप, ठीक है। आप ये टेस्ट दीजिए, उसके बाद स्कॉलरशिप लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, है ना, यस, ओके। सो दिस इज बेटा द कॉम्बैट विच इज गोइंग टू बी द बेस्ट मेगा कॉम्बैट फॉर नीट UG। अब वाला कॉम्बैट बेटा वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्बैट है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स देने का प्लान है अनअकैडमी का। तो आप एनरोल कर सकते हैं बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दैट इज बाय यूजिंग कोड सीप लाइफ, ठीक है। एंड
जब आप कॉम्बैट में एनरोल कर लें उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, उसके बाद बेटा आप प्लस भी ले सकते हैं, आइकॉनिक भी ले सकते हैं, कोड आपके लिए सेम रहेगा, दैट इज सीक लाइफ। ठीक है, मैम का नाम लगाना है, आगे लाइव लगा देना है ताकि आपका वो जो स्कॉलरशिप है वो वैलिड हो जाए। बिना स्कॉलरशिप के भी बेटा यू गेट 10%, बट विद स्कॉलरशिप यू कैन इमेजिन यू कैन गेट होल ऑफ द सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, चलिए अब मिलते हैं बेटा कल की क्लासेस में। कल मैंने आपको जैसा कि बताया देर आर गोइंग टू बी 3 टेस्ट, एनिमल टिश्यू, बॉडी फ्लूइड्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये तीनों टेस्ट मेरी प्रोफाइल पे, प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड कल के यूट्यूब सेशन में वी विल डिस्कस द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द DNA एज वेल एज टाइप्स ऑफ द RNA एंड बेसिक्स ऑफ द लिपिड्स एज वेल। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। तब तक एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, एंड डू रीड दिस पोर्शन फ्रॉम योर NCERT। जैसा कि मैंने बताया बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा हाफ-हैज़र्ड वे में दिया हुआ है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, बीच में आपको खोजना पड़ेगा कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ है। खोज लोगे हैं, ढूंढ लोगे बेटा या पेज नंबर बताना पड़ेगा? यस, ढूंढ लोगे या पेज नंबर बताना पड़ेगा? ठीक है, चलिए ढूंढ लेना यार, इतनी मेहनत तो करो। और सेशन अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आप कमेंट जरूर करिएगा बिकॉज आई पर्सनली रीड ऑल द कमेंट्स एंड योर फीडबैक्स। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन।